प्रथम पूज्य गणेश भगवान के जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश जी निराकार दिव्यता के साथ भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित हैं। भगवान गणेश का अद्भुत स्वरूप हमें सोचने पर मजबूर करता है। उनका गजानन मुख तो है। क्या है भगवान गणेश की जन्म कथा? भगवान शिव उनका शीश वापस क्यों नहीं जोड़ पाए और उनका ये अद्भुत और निराला स्वरूप किन प्रतीकों को दर्शाता है? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान गणेश से जुड़े प्रसंगों के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में गण गणपते नमः अवश्य लिखें। गणेश शब्द का अर्थ है गणों का प्रमुख या प्रजा के भगवान। यह पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि के विभिन्न विभिन्न संस्थानों के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणु और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी है गणेश जी। वे ही वह सर्वोच्च चेतना है जो सर्वव्यापी है और इस सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित करती है। भगवान गणेश के 108 नाम हैं। आमतौर पर गणेश जी को गणपति, हरिदा, गजानन, गजवक्रत, द्विमुख, विघ्नहर्ता, विघ्नकर्ता, विनायक, महागणपति, सिद्ध, वाक्पति, शिवप्रिय, सिद्धि विनायक, अग्रगण्य, अग्रपूज्य, स्वेया, गंगा सुत्या, श्री विघ्नेश्वराय जैसे नामों से अभिवादन किया जाता है। उन्हें लंबोदर और महोदर भी कहा जाता है जो उनके उदर का विवरणात्मक है। उनका एक पूरा हाथी दांत है और एक टूटा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। भगवान गणेश का वाहन मूषक है जो प्रकाशात्मक है। आंतरिक अंधकार को समाप्त करने यानी इच्छाओं पर अंकुश लगाने का। भगवान गणेश के पिता तमोगुण युक्त हैं अर्थात क्रोध और विनाश के प्रतीक हैं और उनकी माता देवी पार्वती हैं। उनके बड़े भाई कार्तिकेय युद्ध के देवता हैं और उनकी बहन का नाम अशोक सुंदरी है। भगवान गणेश की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं और उनके दो पुत्र शुभ और लाभ हैं। यही कारण है कि ये शब्द अक्सर उनकी मूर्ति के आसपास लिखे होते हैं। भगवान गणेश की जन्म कथा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के पास बहुत से गण थे जो उनके सभी आदेशों का सम्मान करते थे, लेकिन देवी पार्वती के पास कोई गण नहीं था। इस बात से परेशान होकर एक बार जब देवी पार्वती जी स्नान कर रही थी तब उन्होंने स्नान के दौरान अपने शरीर पर लगे उबटन से एक पुतला बनाया और अपनी शक्ति से उन्होंने उस मानव आकार वाले पुतले में प्राणों का संचार किया जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने उसे गणेश नाम दिया और गणेश को ये सख्त आदेश दिया कि उनकी मर्जी के बिना किसी को भी महल में प्रवेश नहीं दे। इस बीच भगवान शिव हिमालय से तपस्या पूरी करके लौटे और पार्वती जी के महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे गणेश जी को शिव के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। भगवान शिव ने गणेश को समझाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन गणेश नहीं माने। अज्ञानता और क्रोधवश भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का वध कर दिया और पार्वती जी के महल में प्रवेश कर गए। जब माता पार्वती ने देखा कि उनका पुत्र गणेश मर गया है तो उन्होंने इस तथ्य को भगवान शिव के समक्ष प्रकट किया कि गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई है और पार्वती जी उग्र हो गई और उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और घोषणा कर दी कि अगर गणेश का जीवन बहाल नहीं किया गया तो वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर देंगी।
भयभीत भगवान शिव ने गणेश के सिर को वापस न जोड़ पाने की अपनी अक्षमता को स्वीकार किया और बताया कि उनके त्रिशूल का प्रभाव उल्टा नहीं हो सकता। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वह उस पहले प्राणी का सिर लेकर आए जो मार्ग में सबसे पहले अकेला मिले, यानी जो अपनी माता के साथ ना हो। ऐसा ही किया गया। विष्णु जी एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए और भगवान शिव ने यह सिर गणेश के सिर के ऊपर रख दिया और अपनी शक्ति से गणेश जी को जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जिंदा हो गए और तब गणेश को वहां मौजूद देवताओं द्वारा कई शक्तियों के साथ आशीर्वाद दिया गया और यह भी कि उन्हें प्रथम पूजा जाएगा। तब से उन्हें गजानन और प्रथम पूजनीय भगवान कहा जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। आदि शंकराचार्य जी ने गणेश के सार का बहुत ही सुंदरता से गणेश स्रोत में विवरण किया है। हालांकि गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन यह आकार या स्वरूप वास्तव में उस निराकार परब्रह्म रूप को प्रकट करता है। वे अज निर्विकल्प निराकेम है, अर्थात गणेश जी अजन्मे हैं, निर्विकल्प यानी बिना किसी गुण के हैं, निराकार यानी बिना किसी आकार के हैं और वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी है। गणेश जी वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि का कारण है। यह वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। तो जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान, जो कि मस्तिष्क का गुण है, वह ज्ञान को नहीं पहचानता। तब ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए। इसी बात को दर्शाने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी के सिर को काट दिया था। हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अपने अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, ना ही वे उनसे दुखते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। भगवान गणेश के शरीर के विभिन्न अंग प्रतीकात्मक हैं। उनका विशाल सिर बड़ी सोच का प्रतीक है और यह ज्ञान से संबंधित है। उनके विशाल कान अधिक सुनने का प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक है। अंकुश प्रतीक है किसी को उच्च लक्ष्य तक पहुंचाने का। और उनका हाथी दांत प्रतीक है बुराई को दूर कर अच्छा बने रहने का। भगवान गणेश को अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देने के रूप में दर्शाया जाता है, जो आध्यात्मिक पथ पर सर्वोच्च शक्ति द्वारा संरक्षण का प्रतीक है। और उनका हथियार कुल्हाड़ी है, जो भौतिकवादी दुनिया के सभी बंधनों को काटने का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी सूंड अनुकूलन क्षमता और दक्षता का प्रतीक है। उनका विशाल उदर जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकृत कर लेने का प्रतीक है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनका झुका हुआ हाथ जिसमें हथेली बाहर की ओर है, उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। यह प्रतीक है हम सब एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हाथी के सिर वाले भगवान भला क्यों एक चूहे जैसे छोटे से वाहन पर चलते हैं? क्या यह बहुत अजीब नहीं है? फिर से इसका एक गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काटकर अलग कर देता है जो हमें बांधती है। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को पूरी तरह काट सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जिसके भगवान गणेश प्रतीक हैं।
हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे कि उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते। तो जब भी हम उस सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए और उसी समय यह भी याद रखना चाहिए कि गणेश जी हमारे भीतर भी हैं। यही वह ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया अवश्य लिखें।